हमारे 59 किसानों का है जो दिल्ली में शहीद हो चुके हैं। आज हम उनकी अर्थी निकाल करके उनको अपनी तरफ से मुखाग्नि दे करके ये दर्शाते कि आपने हमारे लिए जान दे दी है, हम सब आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, आपके देश के साथ हैं। जब मरने वाला किसान किसान विरोधी बिल की वापसी का मांग रहा है, मरने वाला जवान
एमएसपी की गारंटी मांग रहा है। सरकार अडानी अंबानी के चक्कर में बिल वापस नहीं ले रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों के उस पे, तो हम सारे किसान कहाँ जाएंगे? एक ही बात तो कह रहे हैं, गारंटी दे दो। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो सरकार से यही मांग रहे हैं ना कि जो आप हमारा मूल्य तय करते हो उससे हमारी खरीद हो जाएगी। आज भी सरकार ने 1860 दिया है, 1860 पे किसका धान खरीदा जा रहा है? या तो बड़े बड़े दलालों का, पूंजीपतियों का, जो किसान 2 क्विंटल 4 क्विंटल लेके जाता है उसको कुत्ते की तरह भगा दिया जाता है। हो रही वसूली, कोई रोकने वाला है रोक ले। आज 8 रुपए 10 रुपए में आलू बिकने लगा, 60 में हमने आलू तैयार की थी, कोई थी, क्या चाहते हैं हमसे? अभी हमने जो मक्का हमारा आज मार्केट में 24 रुपए में है, वही मक्का 2 महीना पहले बहराइच, बदायूं, बरेली और वहां के किसानों ने 9 और 10 रुपए में बेचा। क्या यही हमारी वो है? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भाई शिवराज जी ने कहा कि किसानों ने क्यों ज्यादा पैदा कर दिया। अरे शिवराज जी, हम भारत के वो किसान हैं कि जब देश में खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता नहीं थी, अमेरिका की सड़ी मकई जो वहां की सुअरें नहीं खाती थी हमारे पूर्वजों को मिलती थी, हम लोगों ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता लाई। आज भी हम तैयार हैं, सरकार के साथ हैं, लेकिन कम से कम सरकार ये गारंटी तो दे कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम पूंजीपतियों के साथ नहीं खड़े हैं। सुषमा स्वराज जी का एक भाषण गौर करना चाहिए, उन्होंने कहा था जब वो विपक्ष में थी कि किसान के बीच में जब पूंजीपति और उद्योगपति और आढ़ती आ जाएंगे तो किसान मिट जाएगा। आज सरकार उसी पैटर्न पे चल रही है, पूंजीपतियों को ला रही है। अभी हम क्या उम्मीद करें? मैं फिर कहूंगा आप सारे भाइयों से, आप 3 साल से परिचित हो, दलाली तो मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं और कृषि मंत्री भी ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के। जब एक इस जिले का डीडी कृषि स्वयं चैलेंज करके कहता है कि पैसा कमाता हूं और पैसा देता हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरे प्रदेश के सारे अधिकारी दलाल चोर दिखाई दे रहे हैं, हमारा कर्मचारी चोर दलाल दिखाई दे रहा है, तो क्या आपको ये शैलेंद्र शाही कृषि, डीडी कृषि नहीं दिखाई दे रहा है? अभी एक महोदय कह रहे थे कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, कर्मचारी चोर होता है। अरे मैं कह रहा हूं कि कर्मचारी अगर चोर होता तो उसी कर्मचारी के और किसान के बदौलत 1947 से आज तक ये देश खड़ा न होता, न तब नरेंद्र मोदी थे, न योगी थे, न हृदयराम वर्मा थे। इसी कर्मचारियों ने, इसी जवानों ने और इन्हीं किसानों ने इस देश को 1947 से आज आत्मनिर्भरता लाई है। तब लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा इंदिरा जी थी, सारे लोगों ने देश के किसानों के साथ सब खड़े हुए और आज देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता ला चुका। सुल्तानपुर के किसानों का अगला निर्णय क्या होगा? ये समय बताएगा। ये समय के गर्भ में है। हम कहां तक जाएंगे अब ये समय तय करेगा।